leads to question number third of exercise 4B, that is rational number. Question number third is, which of the following two rational number is greater in each of the following pairs? कौन सा greater है वो बताना है. तो first part is 5 upon 9 or minus 3 upon minus 8. फ्रेंड्स देखिए, ये माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो गया, 3/8 हो गया, और ये हो गया 5/9. अब इसके डिनोमिनेटर्स हमें इक्वलाइज करने, तो इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी और इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन इसको, इसको हम 3/8 भी लिख सकते हैं. तो देखिए 5/9 की 8 से मल्टीप्लाई हुई ऊपर नीचे, तो क्या आ गया 40/72. 3/8 की 9 से मल्टीप्लाई हुई ऊपर नीचे, तो ये क्या आ गया 9 3s are 27/72. पॉजिटिव में कौन सा बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर, दैट मींस 5/9 इज ग्रेटर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 4/-3 और -8/7. विच वन इज ग्रेटर. अब हम देखिए, ये माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. 4/-3 को हमने -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये आ गया -4/3. अब इसके डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन में, इसके डिनोमिनेटर की इसमें, कैसे देखिए, इंटू 7 कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आ गया -28/21 और -8/7 में 3 की मल्टीप्लीकेशन, -3 की नहीं, क्योंकि माइनस ऑलरेडी चेंज हो गया, अब नंबर ये आ गया था, तो 3 की मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे, तो ये आ गया -24/21. माइनस में छोटा वाला बड़ा होता है, तो छोटा वाला कौन सा है, ये है, दैट मीन्स -8/7 इज ग्रेट. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज -12/5 और -3. फ्रेंड्स देखिए, -3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे 1 मान सकते हैं, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो -12/5 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या आ गया, -12/5 ही आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, तो ये क्या आया, -3/1 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या आ गया -15. 5 3s are 15/5. अब देखिए, माइनस में जो छोटी होती है टर्म वो बड़ी होती है, तो दैट मीन्स -12/5 इज ग्रेटर. नाउ फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 7/-9 और -5/8. देखिए, दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के ऊपर नीचे के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 7/-9 इंटू 8 इंटू 8, और -1 की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पहले कैसे, दोनों एक साथ कर दीजिए, एक एक करके करिए, एनी मेथड यू कैन ऑप्ट. 7 8s are 56, लेकिन माइनस का, अपॉन 72, और -5/8 को हमने किया 9 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये कितना आ गया -45/72. तो छोटा वाला बड़ा होता है, दैट मीन्स -5/8 इज ग्रेटर. लेट्स डू फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज 4/-5 और -7/8. इन दोनों के भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. 4/-5 को -1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये आ गया -4/5. उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो क्या आया 32/4.
40। अब नाउ इसको करेंगे माइनस 7/8 को 5 से मल्टीप्लाई, माइनस 5 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस हमने इसका सॉल्व कर लिया है। राइट फ्रेंड्स, नाउ 3 7 5 35 अपॉन 40, छोटी वाली डिजिट कौन सी है, ये वाली, दैट मीन्स 4/-5 इज ग्रेटर। लेट्स डू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज 9/-13 और 7/-12। अब देखिए दोनों के नीचे ही माइनस है, इसको हम ऑटोमेटिकली ऊपर ले लेंगे। 9/-13 इंटू -1 इंटू -1, तो ये आ गया -9/13। सिमिलरली 7/-12। फ्रेंड्स, ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ मेरी वीडियो सारी देखा करिए क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने बीच बीच में सिखाए हुए हैं। अब देखिए इसके दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो आपस में एक दूसरे में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे। इंटू 12 इंटू 12 ऐसी, -7/12 इंटू 13 इंटू 30, तो ये कितना आ गया 9 इंटू 12, 12 9s is 108, लेकिन माइनस का अपॉन 13 12s कितना होता है, लेट्स डू 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 and 1, तो ये आ गया 6, 5 and 1, 156। नाउ 9 13 into 7 is 91, माइनस का अपॉन 156। नाउ विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, दैट मीन्स 7/-12 इज ग्रेट। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।